दोस्तों नमस्कार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं विपिन कुमार, आप सबका चहेता विपिन कुमार, मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहे, रंगीन रहे, रोड टू सक्सेस रोड टू स्टारडम। दोस्तों आप भी मन में ये बना लीजिए कि मुझे स्टारडम की राह पे चलना है, मुझे जीतना ही है, मैं पीछे हटूंगा नहीं। दोस्तों आज का विषय में कुछ इस तरीके से है, बहुत से लोग जो नए नए आए हैं मुंबई में, उन्हें पता नहीं है कि क्या होता है, कैसे ऑडिशन दी जाती है और कहाँ जाना होता है, क्या होता है, वो लोग क्या मांगेंगे, कैसे ऑडिशन देनी है। तो उसमें आज 3-4 लोगों ने मुझे पूछा है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। हम लोग गए थे कहीं पे, ऐसा किसी ने लिखा है कि हम लोग ऑडिशन के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पोर्टफोलियो दीजिए। पोर्टफोलियो यानी क्या, पोर्टफोलियो यानी क्या, इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबाइए, हो जाइए शुरू। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जो रास्ते हमें मालूम नहीं है, हमें ऑडिशंस के बारे में मालूम नहीं, जो नए नए लोग आते हैं बाहर से उनको तो ऑडिशंस के बारे में मालूम नहीं होता है, और ऑडिशंस में वो लोग क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या तो देना पड़ता है, वो उन्हें कुछ मालूम नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग कह देते हैं कि पोर्टफोलियो दीजिए। तो आप सोचोगे आपके पोर्टफोलियो यानी क्या, तो पोर्टफोलियो यानी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आपके लेटेस्ट, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि ऑडिशन देते रहते उस टाइम ही पोर्टफोलियो बना लेते, ज़्यादा महंगा भी नहीं। ऐसे बनाने जाओ तो 10,000 से लेके लाख रुपए तक बनता है, क्योंकि फोटोग्राफर्स तो कुछ भी बोल सकते हैं और कितने भी फोटोज़ निकालेंगे, पोर्टफोलियो तो जितना बना उतना कम है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं तो इतना ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, 4,000-5,000 में अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स निकालिए, और हो सकता है तो किसी अच्छे फोटोग्राफर से निकलवा लीजिए फोटोज़, और डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट मूड में निकालिए। या तो फिर वो भी नहीं कर सकते, किसी ने मुझे ये भी लिखा है कि हम लोग कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप अपने वीडियो अपने कैमरा से यानी मोबाइल के कैमरे से भी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो और वो भेज सकते हो जहाँ भी भेजना है, या तो पोर्टफोलियो के लिए जिसने मांगा होगा उस डायरेक्टर को दे सकते। यानी पोर्टफोलियो यानी प्रोफेशनल फोटोग्राफ, यानी आप हर एंगल से कैसे दिखते हो, हर मूड में कैसे दिखते हो, उस टाइप से अलग अलग फोटोज़ निकालोगे, और वो फोटोग्राफ्स आप जहाँ चाहिए, कास्टिंग डायरेक्टर को चाहिए, या तो कहीं पे ईमेल करना है तो वहाँ आप ईमेल कर सकते हो। तो दोस्तों उनसे उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप सामने कैसे दिखते हो, स्क्रीन पे कैसे दिखते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने फोटो बहुत पहले निकाली होती है, उसके बाद जब भेजते हैं तब आपने और फोटोज़ में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों पहले आप मत निकालिए, पहले ऑडिशंस दीजिए, उसके बाद आपको जब जैसे मालूम पड़ते रहे उसके बाद ही फोटोग्राफ्स निकालिए। फोटोग्राफ्स अच्छी जगह पे होने चाहिए, बैकग्राउंड अच्छा रखिए, घर पे भी अगर आप निकालते हो तो बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा रखिए, और आप अपने अलग अलग ड्रेसेस में फ़ोटोज़ निकालिए। अगर फोटोग्राफर के वहाँ जाओगे तो उनके वहाँ वो अलग अलग डिफरेंट एंगल से डिफरेंट मोड में आप फ़ोटो निकाल सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, 2,000 से 4,000-5,000 तक का बहुत है, क्योंकि अभी आप नए हो तो इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में जब कुछ काम मिलने लगेगा तो अच्छे फोटोग्राफ्स बनाइए। अभी तो लेकिन ऐसा हो गया है कि फ़ोटोग्राफ्स कोई कोई एजेंसीज मांगती है, क्योंकि वो अपने रिकॉर्ड में रखती है और उसके बाद जब उन्हें चाहिए तो वो आपको बुला सकते हैं। तो अभी उसके बाद भी अभी क्या हो गया, डिजिटली सब लोग आगे बढ़ गए, तो अभी वो ऑडिशंस लिंक मांगते हैं। आप अलग अलग एंगल से अलग अलग मोड में आप अपने ऑडिशन लिंक भेज सकते हो उनको, उनकी ईमेल आईडीज होती है तो उसमें आप भेज सकते हो। तो उससे क्या होगा कि वो लोग अपने बैंक में रखते हैं और जब चाहे तब बुला सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा, बहुत से लोगों ने कहा है कि हमें ईमेल आईडीज भेजिए कास्टिंग डायरेक्टर की, तो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा उसमें भी मैं ईमेल आईडीज दूंगा, तो वो आप वहां पे आप अपने ऑडिशंस लिंक या अपने फोटोग्राफ्स या जो भी भेजना हो तो भेज सकते हो। तो दोस्तों आज का ये आपको मालूम ही पड़ा होगा कि पोर्टफोलियो यानी क्या, क्योंकि बहुत से बार नए होते तो यहाँ की लैंग्वेज ये ख्याल नहीं आती है। पोर्टफोलियो यानी प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स, मालूम पड़ा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।